फ्रेंड्स, आज हम मटन फ्राई बनाएंगे। चलो पहला मटन डाल लो। चलो अभी थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। थोड़ी हल्दी। नेक्स्ट थोड़ा प्याज, और एक 10 हरी मिर्च, और नेक्स्ट थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। चलो और आधा डाल देंगे। बस 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें साल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ, क्यों मैं साल्ट इसमें अच्छा शायद हो गया 2-3 घंटे मैं भीगने रख दिया है इसमें साल्ट वाटर में, इसलिए लास्ट में चेक कर लेगा मैं, अभी नहीं डालेगा। चलो अभी इसको ढक के 1 मिनट, अभी इसको थोड़ा गर्म करके इसमें का पानी निकला तो रख कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें का पानी निकलने के बाद में पूरा ख़त्म हो जाएगा। पानी ख़त्म होने के बाद में फिर थोड़ा इसके लेवल को, मटन के लेवल को हम थोड़ा पानी डाल के गला लेंगे। पहला चलो देखो पानी निकल रहा है इसमें हल्के से, हल्के से पानी निकल रहा है। पानी बाद में पूरा ख़त्म होता है, वैसे ही हाई फ्लेम पर रखो, पानी ख़त्म करो इसको। पूरा इसमें का पानी है पूरा ख़त्म होने का, इतना पानी आ रहा है देखो। एक ड्रॉप भी मैं पानी नहीं डाले अभी तक इसमें, बस इसी में मटन में का पानी निकल रहा है पूरा। ये पानी अच्छा पूरा ख़त्म होने तक रखो। देखो फ्रेंड्स पानी अभी ख़त्म होने आ गया, और ऐसे थोड़ा है चलेगा। थोड़ा 5 सीटी बजने देंगे इसको अभी। करेक्ट से 5 विजिल्स तक इसको ऐसा ही छोड़ दो अभी, बाद में निकाल के देखेंगे गला क्या नहीं। ओके 5 विजिल्स के बाद मिलेगा। ओके फ्रेंड्स अभी हो गया 5 नहीं 10 सीटी रख लिया, 10 विजिल्स पूरे ख़त्म हो गए। चलो अब इसमें का गैस निकाल देंगे। पूरा भी निकल गया फ्रेंड्स अभी गैस। ओके थोड़े लाइट सी है पानी, और ये पानी को और अच्छे से पूरा पानी ख़त्म कर देने का है। गोश्त अच्छे से गल गया देखो, पूरा हड्डी बाहर निकल गया है, यानी गोश्त अच्छे से गल गया। चलो अभी इसको अच्छे से पूरा पानी ख़त्म करेंगे। पूरा पानी ख़त्म करके
अगर चाहिए तो ये ऐसा ही निकाल के इसका पानी सूप जैसा पी सकते हैं, मटन सूप हेल्थी है, बहुत अच्छा है इसका सूप पीने से। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो इसमें का पूरा भी सूप भी सब पानी सब खत्म होने आ रहा है, पूरा मिलाएगा। ये पूरा ये होने के बाद में इसमें आके काली मिर्ची और जीरा धनिया लाल मिर्ची सब फ्राई करके, ये सब फ्राई करके पाउडर मार के रख लिया। वो पाउडर मैं पहले ही बना के रखा भैया, वही था मेरे पास, अभी मैं ये चूल्हे में नहीं रखा, नेक्स्ट चूल्हे में रखेगा वो पाउडर कैसा बनाने का। इसमें थोड़ा नींबू मीठा लेंगे, एक नींबू डाल लेगा मैं इसमें। मसाला के एक स्पून डाल लेगा पाउडर, मसाला डालने के बाद में इसमें थोड़ा सी एक दो चम्मच दो स्पून ऑयल मिक्स कर लेने का। बस अभी इसमें उसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है, बस एकदम फ्राई। ये मैं इसमें अभी तक एक ड्रॉप भी साल्ट नहीं डाले, क्यों साल्ट बहुत डाल के मैं वाटर में इसको भिगने रखा था, देखेगा चेक करेगा अभी नहीं साल्ट है नहीं, चेक करके देखेगा अभी इसमें। साल्ट बराबर हो गया, कुछ डालने की जरूरत नहीं साल्ट, माशाल्लाह स्पाइसी स्पाइसी। हाँ तकरीबन इसको 3 आवर्स तक मैं साल्ट वाटर में भिगने रख दिया मटन में, मटन को साल्ट वाटर भिगने रख के ड्यूटी पड़ गई निकल गया, इसलिए देर हो गया, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया साल्ट सब। अच्छे से गल गया पूरा मटन, माशाल्लाह।